तो फाइनली दोस्तों कैनरा बैंक ने जो है एक अपडेट दे दिया है, उसका जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है कैनरा मोबाइल बैंकिंग का, तो उसके अंदर जो अपडेट आ गया है 14 नवंबर को, जिसमें काफी सारे इम्प्रूवमेंट किए गए हैं। इससे पहले एक और अपडेट आया था, तो यहाँ पे इससे पहले जो अपडेट आया था उसमें लगभग 11 तरीके की चेंजिंग की गई थी, और यहाँ पे भी जो है एक बहुत बड़ी चेंजिंग की गई है जो 14 नवंबर को अपडेट आया है। इसमें जो है सेम इन्होंने स्टार्ट किया है योनो कैश की तरह, जैसे SBI योनो कैश के थ्रू विड्रॉल कराती है कार्डलेस ट्रांजेक्शन, तो इन्होंने भी जो है अपने ATM पे जो है कार्डलेस ऑप्शन दे दिया गया है। तो यहाँ पे आप जो है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जो है आप कार्डलेस ट्रांजेक्शन भी कर सकेंगे, जैसे आप योनो एप्लीकेशन में करते थे सेम वे से ही। तो फिलहाल इस वीडियो में हम जानेंगे कैनरा बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन से अपडेट आए हैं और क्या क्या चेंजिंग हुई है, कितने फीचर्स हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं और उनमें क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। और एक वीडियो मैं आपको और बना के दूंगा जिसमें जो है कैनरा बैंक का जो कार्डलेस ट्रांजेक्शन का ऑप्शन इन्होंने स्टार्ट किया, जिसका हम आपको पूरा वीडियो बना के देंगे कि कार्डलेस ट्रांजेक्शन की हमें कैसे रिक्वेस्ट लगानी है और कैसे जो ATM से विड्रॉल लेना है, उस पर भी हम जो है आपको पूरा वीडियो बना के देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज के इस वीडियो में कैनरा एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या अपडेट हमें देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कैनरा बैंक में जो है क्या क्या अपडेट आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम प्ले स्टोर को ओपन करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है कैनरा बैंक का अपडेट आ चुका है 14 नवंबर 2019 को। तो इस पे क्या क्या अपडेट आया है थोड़ा सा इस पे नजर डालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले दिखाया जा रहा है कार्डलेस कैश विड्रॉल इन कैनरा बैंक ATM। जैसे कि आपने देखा होगा योनो का चल रहा है जो कार्डलेस वाला पेमेंट सिस्टम योनो कैश, तो उसी तरीके से यहाँ पे कैनरा बैंक ने भी कार्डलेस कैश विड्रॉल कर दिया है। उसके बाद जो है प्रीपेड एंड पोस्टपेड मोबाइल रिचार्ज का दे दिया है, फ्लाइट टिकट बुकिंग भी आप कर सकेंगे, बस टिकट बुकिंग भी कर सकेंगे, और बग फिक्सेस एंड इम्प्रूव्ड यूजर इंटरफेस किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हुआ है। हालांकि पिछले अपडेट में क्या क्या आया था अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे नीचे आ गए हैं, जिसमें लगभग 11 अपडेट आए हुए थे, तो बहुत सारे अपडेट आए हुए थे। तो इसी वीडियो में हम आपको बता देंगे कि पुराने वाले में भी क्या क्या जो है अपडेट आए हुए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 अपडेट दिखाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो टच टू पे विद RTGS NEFT, उसके बाद जो है इन्वेस्ट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट एंड बुल्ड वेल्थ, उसके बाद जो है स्टार्ट रिकरिंग डिपॉजिट एंड मीट योर गोल्स है, एड नॉमनी का भी बढ़ा दिया गया है, पे EMI रुपे लोन्स का बढ़ा दिया गया है, शेड्यूल पेमेंट का भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, और साथ में नंबर पे व्यू बैलेंस इन क्लिक एंड डाउनलोड स्टेटमेंट का भी यहाँ पे अपडेट दे दिया गया है। और पिछले अपडेट में क्या क्या आया था वो यहाँ थोड़ा सा आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे अपडेट आए हुए थे। तो चलिए अब हम इसे ओपन करते हैं। तो हमने इसे जो अपडेट कर लिया, आप इसे अपडेट कर लीजिए, और अपडेट करने के बाद चलिए हम इसे ओपन करते हैं। तो फर्स्ट टाइम इसे ओपन हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसे अलाउ करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम इसे जो है वेरीफाई करेंगे अपने सिम कार्ड के साथ में। तो यहाँ पे हमारे हैंडसेट में सिम कार्ड डला होना चाहिए, तो हमारे हैंडसेट में डला हुआ है। हमारा वोडाफोन का नंबर है बाय डिफॉल्ट में बैंक अकाउंट में लिंक, तो वोडाफोन पे चेक करके और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो एक SMS सेंड होगा जो ये आपके नंबर को वेरीफाई करेगा और डिवाइस को रजिस्टर करेगा। तो हमारे से मैसेज चला गया है, और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे तो नीचे आपको देखने को अभी मिल जाएगा कि आपका नंबर यही वाला लगा हुआ है या नहीं है, जो भी ये आपको स्टेटस दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक तरीके से आप दो चीजें सीख जाएंगे, एक तो ये अपडेट देख लेंगे आप क्या क्या फीचर्स अपडेट आए, और मोबाइल बैंकिंग फर्स्ट टाइम कैसे लॉगिन करते हैं ये भी आप सीख जाएंगे। तो ये मोबाइल बैंकिंग फर्स्ट टाइम ही हमारी लॉगिन हो रही है, कोई अलग से प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे जो मैं करके दिखा रहा हूँ यही प्रोसेस होता है फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड आ गया है मेरे पास, ऑटो फिल भी हो गया है। यहाँ पे अगर आपका दूसरे एंड साइड में अगर सिम कार्ड डला हुआ तो यहाँ पे आप इसे जो है लॉगिन नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। तो मेरे पास वन टाइम पासवर्ड आ गया है और मेरा सिम कार्ड जो है इसी एंड साइड में डला हुआ है, तो ऑटो फिल हो गया है यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये अगले स्टेप की तरफ बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको जो है अपना सिम कार्ड जो है उसी हैंडसेट में डालना पड़ेगा जिस हैंडसेट पे आप जो है इसकी मोबाइल बैंकिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आपके लिए जरूरी है। ये ऑटोमेटिक मैसेज जो है सेंड कर लेता है, आपकी सिम कार्ड को फेच कर लेता है। यहाँ पे देखिए नीचे आ गया है OTP वैलिडेट सक्सेसफुली, और यहाँ पे जो है अब आपको बता रहा है क्रिएट लॉगिन पासकोड। तो यहाँ पे आपको जो है 5 डिजिट का कोई भी अपना जो है पासकोड बना लेना है। चलिए हम पासकोड एक जो है बना ले रहे हैं। पासकोड डालने के बाद यहाँ पे दोबारा से री एंटर करने के लिए बताएगा, तो दोबारा से वही पासकोड हम डालेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना अगर आप पुराने यूजर हैं और पिछला वाला जो भी पासकोड आपका था पिन नंबर वो अगर डालेंगे तो यहाँ पे मना कर देगा, तो यहाँ पे कुछ अलग सा डालें जो आपका आप पिछले से मैच ना करे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है पिछले से मैच कर रहा है, तो इस तरीके से आपको मैसेज दे देगा। तो यहाँ पे हमें कोई दूसरा चुनना पड़ेगा, तो चलिए हमने दूसरा डाल दिया। दोबारा एंटर करेंगे और दोबारा से एंटर कर दिया है, यहाँ पे दोबारा से वेरीफाई कर रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे।
तो देखिए यहाँ पे हमारा पासपोर्ट जो है सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है, इसे हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए अब आपको प्लीज एंटर और पासपोर्ट डालने के लिए बताया जा रहा है, लेकिन उसके नीचे आप देखिए फॉरगेट पासपोर्ट है और उसके नीचे रजिस्टर विद फिंगरप्रिंट आईडी है। ये ऑप्शन जो है पिछले अपडेट में जो है बढ़ा दिया था कैनरा बैंक ने। तो यहाँ पे सबसे पहला तो अपडेट यही है कि यहाँ पे जो है फिंगरप्रिंट आईडी के थ्रू जो है लॉगिन करना यहाँ पे इनेबल कर दिया गया है, लेकिन उसके लिए आपके एंड साइड में जो है फिंगरप्रिंट लॉक जो है वो इनेबल होना चाहिए और आपका जो है एक्टिव रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम इस पर टच करेंगे और टच करने के बाद जो है आपको यहाँ पे इनेबल करने के लिए बता रहा है कि आप अपना फिंगरप्रिंट सेंसर से लॉगिन करना इनेबल करना चाह रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे नो थैंक्स है, अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं नो थैंक्स कर दें। मैं इनेबल कर रहा हूँ तो इनेबल फिंगरप्रिंट आईडी नीचे दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए फिंगर टच करने के लिए बता रहा है, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने कहा था आपके में इनेबल होना चाहिए पहले से फिंगर सेंसर, क्योंकि यहाँ पे आपका फिंगर मैच करेगा आपके सेट से, जो आपका सेट अनलॉक होता है। तो मेरा इन डिस्प्ले फिंगर है, मैं देखिए टच कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए ये मैच हो गया है। और इसके बाद जो है अब यहाँ पे एंटर पासपोर्ट बता रहा है जो अभी अभी हमने बनाया है वो वाला पासपोर्ट देना, उसके बाद जो ये कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए हम पासपोर्ट अपना एंटर कर दे रहे हैं। पासपोर्ट एंटर करते ही यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग चलेगी, तो यहाँ पे आपको अभी एक मैसेज मिल जाएगा कि आपका फिंगरप्रिंट के थ्रू भी जो है लॉगिन इनेबल हो गया है, आप बगैर पासपोर्ट डाले फिंगर को टच करके जो है लॉगिन कर सकेंगे। तो ये फीचर्स मुझे कैनरा बैंक का बहुत बढ़िया लगा जो इन्होंने पिछले अपडेट में बढ़ाया है, क्योंकि यहाँ पे बार बार जो है पासपोर्ट डालने की झंझट खत्म हो गई है, फिंगर हम अपना टच करेंगे और लॉग इन कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए आपको मैसेज दे दिया है यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद टच आईडी, और नीचे आ रहा कंटिन्यू, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और जो है यहाँ पे जो है हमारा ये सक्सेस हो गया। अब ये लॉग इन करने के लिए बता रहा है कि अपना फिंगर टच कीजिए, तो लॉग इन के दो फायदे, यहाँ पे फिंगर भी हमारा टेस्ट हो जाएगा और लॉग इन भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बगैर पासपोर्ट डाले हम जो है लॉग इन कर रहे हैं। तो देखिए हमारा जो है मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन लॉगिन हो गया है, यहाँ पे सारे फीचर्स जो है हमारे सामने आ गए हैं। यहाँ पर देखिए पिछले डैशबोर्ड से और इस डैशबोर्ड में बहुत सारा डिफरेंस कर दिया गया है, सारे मेन्यू जो है चेंज कर दिए गए हैं, इस तरीके से अब आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे चलिए एक एक फीचर देख लेते हैं हमें पिछले में क्या था और क्या अब इसमें बढ़ के मिल रहा है। जिसमें सबसे पहला लिंक मिलता है विद इन कैनरा बैंक में ट्रांसफर करने का, यानी कैनरा से कैनरा में ट्रांसफर का, ये जबकि पहले ही मिलता था। दूसरा है IMPS का, ये भी हमें पहले से ही मिलता था, लेकिन यहाँ पे देखिए ATM कार्डलेस कैश आ गया है, ये ऑप्शन हमें अब नया मिल जाता है। यहाँ पे अब जो है कार्डलेस कैश हम जो योनो कैश करते हैं SBI का, सेम उसी तरीके से आ गया है। इस पे भी हम एक फ्रेश वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल इसमें बता देता हूं आपको क्या क्या अपडेट मिल गए हैं। उसके नीचे देखिए सर्विस में आ जाइए, सर्विस में मैनेज अकाउंट का है, उसके बाद ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है, मैनेज बेनिफिशियरी है, नॉन फाइनेंशियल सर्विस है। तो चलिए हम एक एक बॉक्स में थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या फीचर्स मिलते हैं हमें। तो यहाँ पे सबसे पहले जाते हैं विद कैनरा में, ये आपको पहले से मिल जाता है। यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए आपको फैसिलिटी मिल जाती है, आप किसी भी कैनरा बैंक के अकाउंट में यहाँ से बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक आते हैं, दूसरा है अदर बैंक का, इसी तरीके से है। तीसरा यहाँ पे कार्डलेस ट्रांजेक्शन का, ये देखिए न्यू आ रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन खुल के आ गए हैं, सेम जो है अपने स्टेट बैंक की तरह है। यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, वन टाइम पिन बनाएंगे और जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे जो है आप अपना कार्डलेस ट्रांजेक्शन भी कर पाएंगे। हम एक फ्रेश वीडियो भी इस पे बना के आपको दे देंगे। चलिए बैक आते हैं, इसके नीचे देखिए मैनेज अकाउंट का, ये पहले से है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का पहले से है, मैनेज बेनिफिशियरी का पहले से है, जिसमें आप किसी भी बेनिफिशियरी को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल सर्विस में देखते हैं क्या मिलता है, यहाँ पे देखिए गेट MMID और चेकबुक रिक्वेस्ट का भी यहाँ पे ऑप्शन बढ़ा दिया गया है, जो पहले हमें नहीं मिलता था। तो ये हमारे पास दो ऑप्शन आ गए हैं, यहाँ से चेकबुक की रिक्वेस्ट भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद जो है डोनेशन का है, ये पहले से था, इंश्योरेंस का भी पहले से था। इसके नीचे आते हैं लाइफ स्टाइल का, यहाँ पे देखिए ये न्यू आ रहा है, ये हमें इस अपडेट में बढ़ा के दिया गया है, जहाँ पे हम बस की टिकट बुक कर सकते हैं, कोई भी रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेड कर सकते हैं, फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। इसके नीचे आते हैं गवर्नमेंट स्कीम में, हमें मिल जाता है अटल पेंशन योजना। उसके बाद जो है सबमिट पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इस पे हमने वीडियो फ्रेश बना रखा है। इसके बाद जो है रीजनरेट टैक्स चालान का मिल जाएगा, यहाँ पे आप अपना टैक्स का जो चालान होता है उसे रीजनरेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे PPF अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, PPF अकाउंट ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो पॉलिसी है वो लेना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद जो है ओपन NPS अकाउंट का भी यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ से आप NPS अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे NPS अकाउंट के ट्रांजेक्शन भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे अदर एप्लीकेशन भी इन्होंने दिखाए हैं कि कैनरा का एक दिया एप्लीकेशन है, टैक्स पे है और ई इन्फो बुक, SMS बैंकिंग, अदर एप्लीकेशन में आपको ये फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो है कैनरा बैंक ने अपने एप्लीकेशन के अंदर बहुत ही इम्प्रूवमेंट किया है, जो हमें बहुत ही अच्छा लगा है। यहाँ पे नीचे आपको भीम UPI के भी ऑप्शन मिल जाते हैं,
और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यहाँ पे अब आपको जो है डेबिट कार्ड के साथ साथ जो है क्रेडिट कार्ड भी देखने को मिलेगा। नीचे आ रहा है कार्ड का, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपने अगर क्रेडिट कार्ड भी ले रखा है और यहाँ पे जो है आप जो है अपने डेबिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ब्लॉक टेम्परेरी कर सकते हैं, ब्लॉक परमानेंटली कर सकते हैं और जो है सेट डेली लिमिट भी आप अपनी सेट कर सकते हैं एटीएम कार्ड की। क्रेडिट कार्ड की बात करें तो ऊपर लिंक दिया है क्रेडिट कार्ड का, अगर आपने ले रखा होगा तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा मैंने ले रखा है। तो यहाँ पे उसके भी सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं अब, जो कि हमें पहले नहीं मिलते थे। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। मैनेज कार्ड का आ जाता है, पे नाउ का आ जाता है, यानी क्रेडिट कार्ड का जो भी आपका बिलिंग अमाउंट है उसे पे करना चाहते हैं पे भी कर सकते हैं। कार्ड समरी है, यहाँ पे अनबिलेड ट्रांजेक्शन है, लास्ट 5 ट्रांजेक्शन है। इसके बाद जो यहाँ पे ईमेल स्टेटमेंट का भी आपको मिल जाता है, ईमेल पे अगर स्टेटमेंट लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के भी आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन, यानी कहने का मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से आप अपने क्रेडिट कार्ड को और डेबिट कार्ड को मैनेज कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन हमें बढ़िया लगे हैं। यहाँ पे पहले आपको जो है क्रेडिट कार्ड देखने को मिलता था, बाकी यहाँ पे ये फीचर्स आपको नहीं मिलते थे। तो कहने का मतलब ये है, ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड का जो ऑप्शन यहाँ पे कैनरा बैंक ने बढ़ाया है ये मुझे बहुत ही पसंद आया है। मेरे हिसाब से ये फीचर्स बहुत अच्छे बढ़ा दिए हैं और जो है कैनरा बैंक का जो ये एप्लीकेशन है बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो गया है। इसमें जो है बहुत सारी फैसिलिटी बढ़ा दी गई हैं और जो है इसमें सबसे एक बढ़िया ऑप्शन मुझे लगा है जो कार्डलेस ट्रांजेक्शन का इन्होंने बढ़ा दिया है। ये भी जो है सेम SBI की इसी तरह कर रहे हैं जैसे SBI ने स्टार्ट किया था योनो कैश को लेकर। अब सारी बैंकें जो है इसी पे फोकस कर रही हैं कि कार्डलेस ट्रांजेक्शन स्टार्ट किए जाएं। तो बाकी यहाँ पे सारे फीचर्स आपको मिल ही जाते हैं। यहाँ पे लोन का भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे पहले आप स्टेटमेंट नहीं देख पाते थे, अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो यहाँ पे लोन पे क्लिक करेंगे ऊपर देखिए, तो यहाँ पे आपने कोई भी लोन ले रखा है किसी भी तरीके का तो आपको यहाँ पे जो है अब आपको सारे जो है ऑप्शन देखने को मिलेंगे। वहां पे ट्रांजेक्शन वगैरह भी आप देख सकेंगे कि हमने कब कितना पेड किया, कितना इंटरेस्ट लगा है, कहने वाला पूरा स्टेटमेंट आप जो है यहाँ पे देख सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर सेविंग अकाउंट आ रहा है, नीचे हमारा जो है कैनरा व्हीकल के नाम से आ रहा है जो हमारा कार लोन है। तो यहाँ पे लोन का भी आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आप इसके ट्रांजेक्शन देखना चाहें तो इसी के ऊपर क्लिक करेंगे आपके ट्रांजेक्शन हिस्ट्री खुल के आ जाएगी। नीचे आ रहा सेव बिग मनी, यहाँ पे जो है आप RD और FD का अकाउंट ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन ही। यहाँ पे बहुत बढ़िया फीचर्स ये दे दिए गए हैं, हालांकि ये पहले से थे। यहाँ पे अगर नीचे 3 लाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ से डायरेक्टली कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, अकाउंट का, कार्ड का, गवर्नमेंट स्कीम का, ओपन न्यू अकाउंट का और सेटिंग का और लॉकआउट का। तो यहाँ पे सेटिंग में जाके एक बार देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरेट ट्रांजेक्शन पासवर्ड का है, लॉक ट्रांजेक्शन पासवर्ड का और चेंज लॉगिन पासवर्ड का है। तो यहाँ पे सेटिंग में हमें इतने फीचर्स मिल जाते हैं। ओपन न्यू पे क्लिक करके देखते हैं, ओपन न्यू डिपॉजिट अकाउंट का मिल जाता है, ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन का मिल जाएगा और अप्लाई फॉर इंश्योरेंस का मिल जाएगा। तो यहाँ पे ओपन न्यू में इतने सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। बैक चलते हैं, गवर्नमेंट स्कीम में मैंने आपको दिखाई दिया है, कार्ड में मैंने आपको दिखाई दिया है, डेबिट कार्ड हॉटलिस्टिंग और क्रेडिट कार्ड वगैरह से रिलेटेड आपको सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। डायरेक्टली बैलेंस चेक करना चाहें तो यहाँ पे देखिए ऊपर व्यू बैलेंस का, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 486 रुपए मुझे बैलेंस में दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपको जो है होम पेज पे ही आप टैप करेंगे आपको यहाँ पे बैलेंस भी अपना देखने को मिल जाएगा। तो कहने वाला यहाँ पे पूरा लुक चेंज कर दिया एप्लीकेशन के अंदर का, पूरे मेन्यू चेंज कर दिए गए हैं, पहले जैसे अब नहीं रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चेंजिंग हो चुकी है और बहुत सारे ऑप्शन भी हमें बढ़ के देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो है कार्डलेस कैश वाला इन्होंने जो ऑप्शन बढ़ाया है इस पे हम एक फ्रेश वीडियो आपके लिए बना के लाएंगे जिसमें हम आपको पूरा दिखाएंगे कि कार्डलेस ट्रांजेक्शन हम कैसे करते हैं, जैसे SBI का योनो कैश के थ्रू करते हैं सेम उसी तरीके से इसका भी है। हमें बहुत पसंद आए हैं इसके फीचर्स और जो भी इन्होंने चेंजिंग की है हमें वो भी अच्छी लगी है। बाकी आप कमेंट करके मुझे बताना कि कैनरा बैंक का ये अपडेट आपको कैसा लगा, कैनरा बैंक जो फैसिलिटी बढ़ा रही है ये आपके लिए कैसी रहेंगी। तो ये थे कुछ अपडेट जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। हालांकि कैनरा बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन पे जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं तो इसलिए जो है मुझे इस तरीके से आपको दिखाना पड़ा है। तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी लो हो सकती है तो उसे एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है स्क्रीन कैप्चरिंग नहीं होती है इस एप्लीकेशन में, तो इसलिए जो है मजबूरी थी हमारी जो आपको इस तरीके से दिखाना पड़ा। तो फिलहाल ये अपडेट से कैनरा एप्लीकेशन के अंदर जो मैंने आपको दिखा दिए अपडेट आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके जरूर बताना, अपना ओपिनियन जो है जरूर शेयर करना क्योंकि इससे जो है आगे भी मैसेज पहुंचता है कि जो है लोगों को क्या चीज पसंद है और क्या पसंद नहीं है। तो फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी कर लेना और ऐसे ही बैंकिंग से रिलेटेड और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, साथ में एक बेल आइकन आएगा उसे भी दबा के जाना जिससे कि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।